गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को, अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था, इंडिया में पिछला एक साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो एक घंटे में रजनी जैसा चार केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। हजार का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो चार में से एक केस में, बाकी तीन रेप में सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर, हमारा एक साल का सैलरी सिर्फ एक दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा, सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा, हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा, अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम साहब लोग का ड्राइवर, भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा, इसी पुल का नीचे उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो सर। बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। शेखर, कुछ मिला? नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए, अरे, कहा ना पीछे हटिए, चलो, वहां से हटो पीछे, चलो। कहाँ है हमारा बिटवा? हमें उससे गुप्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर, गुप्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। अरे गणेश सर, जरा शीट तो हटा ना प्लीज। अरे क्या हो गया? डेड बॉडी से दूर रहिए सर। चल भागिए से। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलो। सॉरी सर, मैं आप जरा यहाँ। अश्विन, उठ रहे, उठ। कौन है, किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना, पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया, मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम, अब हम तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ, हमारे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ, तब ही हम तुम्हार बहादुरी का जौहर मानूंगा। सर, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, पब्लिक में से कोई हो सकता है, या मीडिया में से कोई हो सकता है, या लड़की की माँ, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो, आप उसका एक बाल भी। नहीं।
पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो सोग मनाने के लिए आज। सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे टीचर जी, क्या मांगता है? ब्रेड लेगा? विजय कुमार किधर है? वो केक का ऑर्डर डिलीवर करने गया है। मैडम, तुमने जोसेफ के बारे में पूछा ना? विजय कुमार के बारे में। यानी उसने सच बता दिया, उसका असली नाम जोसेफ ही है। अमिताभ का फिल्म देख के उसने खुद का नाम विजय रख लिया। ये पाव का धंधा उसका फैमिली बिजनेस है। हाँ। तुम यहाँ कब से हो? अब क्या बताएगा, पहला किधर और नौकरी करता था अपन। एक दिन केक का ऑर्डर देने के लिए कंजूस सेठ ने अपन को इधर भेज दिया। अपन को पता चला उस वक्त इधर हेल्पर का जरूरत था, काम कम पगार ज्यादा था, तो उधर रिजाइन मारा इधर ज्वाइन मारा। स्मिता किधर है अंकल? और नेवी किसका बेबी है? विजय के लिए, नेवी के लिए मुझे बहुत फिक्र होता है। मुझे उसका हिस्ट्री बताओ प्लीज। हाय, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। एक मिनट रुको। क्या हुआ? अब चलो। ये सब किस लिए? किसी से इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पर किससे मिलना? फादर से। चर्च के फादर से? मेरे फादर से। यानी फादर इन लॉ? सही समझे। अरे बाप रे, उसके लिए तैयारी नहीं की मैंने। ये एग्जाम थोड़ी है जिसकी तैयारी करनी है, ढंग से पेश आना बस। अच्छा, उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा तो आइडिया दो यार। पूरी डिक्शनरी में उन्हें एक ही वर्ड से नफरत है। अच्छा, कौन सा वर्ड? पुलिस। पुलिस? साला डाकू है क्या? वो बुढ़ा मोटा तुम्हारा बाप है क्या? जान ले लूंगी, चुप रहो। ये है बुआ और ये है मोना। नमस्ते। पापा। गुड इवनिंग सर। पापा, विजय। हेलो, सॉरी सर, आप कहिए। क्या कहना है? नहीं सर, आप बड़े हैं, आप पहले कहिए प्लीज। मैं एक सलून में मैनेजर हूँ। विजय, ये देखने में इतने सीरियस हैं कि मुझे लगा कि हिस्ट्री या सोशियोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होंगे, या फिर मोहनजोदड़ो पर रिसर्च करने वाले कोई उबाऊ आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन ये तो हजाम निकले। सॉरी सर, अपनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना। देखिए सर, मेरे पापा नहीं है, सिर्फ माँ ने पाला है, और अकेले बच्चे की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे बच्चे खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे कि मैं। बहुत मुश्किल होती है। और कितने सालों तक आप स्मिता की यूं ही फिक्र करते रहेंगे सर? उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर, प्यार होने से सिर्फ दो दिल ही जुड़ पाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जिससे दो परिवार एक हो जाते हैं। सर, बचपन से एक सपना देखा था कि मेरी भी मोना जैसी एक छोटी सी बहन हो, बिल्कुल इसकी तरह फूलों जैसी। सर, बचपन से सही गलत समझाने वाले पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे, आप समझ सकते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरे पापा की भी कमी आप पूरी कर देंगे। रिटायर होकर आप हमारे साथ ही रहना, बड़ा सा घर है मेरा, मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, साथ में वॉक पर जाएंगे, साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी कभार रात को टेरेस पे जाके छोटा छोटा बैग मारेंगे। सर, मैं रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। सुबह पल्लवी को कॉलेज में ही ड्रॉप कर दूंगा। बुआ को टिफिन भी दे दूंगा मैं, मेरी माँ मास्टर शेफ की गुरु है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो चलेगा बुआ जी? स्मिता आपको बुआ बुलाती है तो मैंने सोचा मैं भी बुआ ही बुला लूँ। आप भी जब स्पेशल खीर बनाएंगी तो हमें जरूर भेज दीजिए, आप और मम्मी साथ बैठ के सास बहू वाला सीरियल देख सकती हैं। पर एक बात बता दूं, आराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही नातियों को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। सर, फैमिली से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर आप राजी नहीं है तो
हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे सर। आपके आशीर्वाद के बिना मुझे स्मिता चाहिए ही नहीं। सर देखिए, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारे जनरेशन के लिए प्रपोज वपोज मारना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबकी रजामंदी से ही शादी करनी है। इतना सब कहने के बाद भी शक की नजर से देख रहे हैं, समझ सकता हूँ मेरे पेशे में बहुत खतरा है ना। इसे सिर्फ ट्रेनिंग में चलाया था, इससे ज्यादा तो मैं दिवाली में पटाखे की बंदूक चलाया हूँ। मैंने तो बंदूक सर, थैंक यू सर। अगर आप ये कॉफी पी लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजी हैं। प्लीज पापा। लेके चीनी कम, लेमन टी हो तो और भी अच्छा है। नमस्ते, सस्रियाकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लगता है तुम मेरा घर बसने नहीं दोगे। एक तो लड़कियां वैसे ही भाग जाती है पुलिस की वर्दी देख के। कितनी मुश्किल से एक लड़की को पटाया, फिर उसके खड़ूस बाप को शादी के लिए कन्विंस किया। जैसे ही बाप हाँ करने वाला था, तुम्हारे आदमियों ने गोली चला दी, मूड की माँ बहन कर दी। मुश्किल से फैमिली सीन बनाया था, पर तेरे चमचों ने आकर बेकार में उसे फाइट सीन बना के रख दिया यार। अच्छा मेरी बात सुन, तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टटुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। इतने मजे से गोली मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। मर्डर भी मैं ही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं ही आऊंगा, समझा? ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। कहने की तुझ जैसे कमीनों की कमी नहीं है दुनिया में। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। बाय। ऐसे भी कर मत मार, मैं उन्हें मारने के लिए। दुआ करो फिर यहाँ पर आना ना पड़े, चाय भी नहीं पिलाई। भैया शायद आपको वो याद नहीं आता, पर हमको अश्विन का याद आ रहा है। सपने में दिखता है वो। ए, हमारा बिटवा मर गया है, पत्नी रो रो के पगला गई है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है। वो ससुराल इतनी आसान मौत नहीं मरेगा, ऐसी मौत देंगे कि यमराज भी दहल जाए। मौत का भीख मांगेगा और तुम हमारा साथ दोगे। हाँ भैया,